सो हेलो लर्नर, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं टॉप 15 से 20 ऐसे मिस्टेक्स के बारे में जो शायद मैंने भी कॉलेज लाइफ में की थी और हम सब अक्सर कॉलेज लाइफ में करते हैं, जो चीज़ शायद अवॉइड किया जा सकता है। अगर वो अवॉइड कर दो तो हो सकता है 20s और 21s के टाइम में आपको जॉब भी लग जाए, आपका प्लेसमेंट हो जाए और शायद आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हो। तो चलिए अपन बात करते हैं वो 15 से 20 ऐसे मिस्टेक्स के बारे में। तो जो सबसे पहला मिस्टेक है, स्टडिंग द नाइट बिफोर एग्जाम। हम सबको ये चीज़ कूल लगती है कि कल एग्ज़ाम है और आज हमन पढ़ लेंगे, लेकिन अब ये चीज़ इंजीनियरिंग या फिर ग्रेजुएशन तक ठीक है, पर दुनिया में कई सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो शायद आप एक रात पढ़ के नहीं क्रैक कर पाएंगे। दिस इज़ द रियल फैक्ट, जो कि आप एक रात पढ़ के आप उसको क्रैक नहीं कर सकते। और शायद अगर ये हमारे अंदर आदतें होती है तो सेमेस्टर ब्रेक तक ठीक है, लेकिन फर्दर उसके बाद हम किसी एग्जाम को क्रैक करने के लायक नहीं बचते, क्योंकि जो हमारी आदतें होती है वो शायद वन नाइट स्टडी करने का होता है और हम यही चीज़ें हर जगह अप्लाई करने की कोशिश तो करते हैं पर इट कुड नॉट बी पॉसिबल। नेक्स्ट जो है वो है प्लेइंग मोबाइल गेम्स। मतलब आप इसको एक प्रोफेशन के तरीके से खेलना बुरी बात नहीं है और एक बच्चे के लिए शायद बुरी बात नहीं हो सकती है, लेकिन अगर टीनेजर और कॉलेज ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स के बारे में अगर बात करें ना, तो अगर आप एज ए प्रोफेशन नहीं खेलते हो तो शायद ये इन फ्यूचर आपको बर्बाद कर सकती है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करती है कि शायद इस चीज़ का रिग्रेट आपको बाद में होता है। हाँ, एज अ प्रोफेशन आपको अगर खेलना हो तो आप खेल सकते हो, आप उससे पैसे कमा रहे हो, यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग करो, दैट्स डिफरेंट। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ घंटों बैठ के गेम खेलते हो, ये आपको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा मुसीबतें क्रिएट करने वाली है। नेक्स्ट जो आपके लिए है वो वेस्टिंग टाइम इन वॉचिंग ट्रेशी वीडियोस। अब ये वीडियोस, जैसे देखो, जो चीज़ हमारे करियर को मैच नहीं करता है ये हमारे लिए खतरनाक साबित होता है एनी हाउ, ये चीज़ शायद आपको पता होना चाहिए। लेकिन हम सब ऐसे ऐसे ज्ञान लेने के लिए हमेशा तैयार रहते थे जिसका कोई हमारे लाइफ में वैल्यू क्रिएट नहीं करता है, सिर्फ उसको जानने के लिए। मतलब ठीक है, जान लेते हैं, समझ लेते हैं, ये हमारे रिकमेंडेशन में आया। रिकमेंडेशन के तो बहुत सारी तरीक़ाएँ होती है, पर रिकमेंड क्या हम रिकमेंड को देखते हुए हर वीडियोज़ को देख लें? YouTube का तो काम है रिकमेंड करना, आपको इमर्ज करना, आपको अधिक देर तक वहाँ पर रखना, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपका आपके करियर से मैच जो करता है, ये सारी वीडियोस देखिए, मोटिवेशन की थोड़ी बहुत वीडियोस देखिए, पर हम वो चीज़ मत देखिए जो आपके करियर और प्रोफेशन को मैच नहीं करता। नेक्स्ट जो है, हमेशा अपने दोस्तों से मूवी के बारे में डिस्कस करना। यार ये चीज़ हमें कूल लगता है कभी कभी कि हम मूवी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कभी कभी अपने नॉलेज को आंक रहे होते हैं कि किसके अंदर मूवी का कितना नॉलेज है, और शायद ये गलत फील है, गलत बिहेवियर है आपके कॉलेज लाइफ में। आप जब कॉलेज लाइफ क्रैक कर रहे होंगे तब आपको ये सब कुछ काम नहीं आता है कि कौन सी मूवीज आपने देखी है, कौन सी आपको देखना है ना, सिंपली यू कैन वॉच एंड जस्ट आप ओके अपने घर में रहो, रूम में रहो। आप इस चीज़ को जाते हो अपने दोस्तों से डिस्कस करते हो, ऐसा था वैसा था, ये चीज़ें पसंद आई वो नहीं आया, आप उसके लिए नहीं बने हो। कोई उस मूवी से करोड़ों रुपये कमा के चले गए एंड आप डिस्कस करे जा रहे हो, दिस इज़ द बैड बिहेवियर। आप कॉलेज लाइफ में ये मिस्टेक कभी ना करें। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, रनिंग बिहाइंड गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। ये चीज़ आपके कॉलेज लाइफ को बर्बाद करता है। मैंने कई सारे ऐसे दोस्तों को देखा है जो शायद कॉलेज में रिलेशनशिप में थे, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पढ़ते थे और जिनको लड़की मतलब भाव तक नहीं देती थी, ऐसा समझ लो। और ऐसे लड़के भी बहुत थे, ऐसी लड़कियाँ भी बहुत थी, और जो रिलेशनशिप में थे वो आज रिलेशनशिप में नहीं है, यकीन मानो दे आर नॉट इन रिलेशनशिप एनी मोर। अभी वो ब्रेकअप, ये वो ना, जॉबलेस हो चुके हैं यार, दोनों बर्बाद हैं एक दूसरे के चक्कर में, क्या क्या नहीं झेलना पड़ता है उन लोगों को। जबकि कॉलेज टाइम रिलेशनशिप में थे, कूल बने घूम रहे थे, बाइक थी उनके पास, बहुत सारी फैसिलिटीज थी, पर अभी जाके देखो उनकी हालत क्या हो रखी है, दैट इज़ द फैक्ट। आपको अभी समझना होगा, अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हो तो अभी जितना जल्दी है आप समझ लो इस बात को। नेक्स्ट जो मिस्टेक आप करते हो, गिविंग मच टाइम ऑन सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया पे टाइम दो, ये आपका राइट है, आप लोगों को जानते हो, समझते हो, पर जिस दिन आपको ये चीज़ रियलाइज़ होता है ना कि कितने परसेंट लोग आपको, जैसे आपके फेसबुक पर 4000 फ्रेंड्स हैं, 5000 फ्रेंड्स हैं, और जब आपको ब्लड का ज़रूरत पड़ेगा तो कितने लोग आपके सामने आएंगे। आपके रिलेटिव में 300 पीपल है, 200 पीपल है, लेकिन जब आपको किसी ऐसे पैसे की या खास ज़रूरत पड़ती है तो कितने लोग सामने आते हैं, दैट इज़ द रियल फैक्ट। वही आपके लोग हैं, वही आपके अपने हैं जो उस टाइम में सामने आते। तो हद से ज़्यादा सोशल मीडिया पर इनको फॉलो करना, ये सेलिब्रिटी वो सेलिब्रिटी लाइक ब्ला ब्ला ब्ला, तो इनसे बेहतर है कि अपने
बुक पर ध्यान दो, अपने करियर पर ध्यान दीजिए, सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स बनाने के बजाय। मतलब जब आप उस लेवल पर आ जाते हो ना, तो आपका खुद ही फ्रेंड्स और बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स बन जाते हैं। अच्छा एक चीज़ आपने देखा है, जो सेलिब्रिटी होते हैं तब तक उसके बहुत अच्छे फॉलोवर्स नहीं बढ़ते जब तक उनका कोई म्यूजिक या कोई वीडियोस, ट्रेलर और मूवीज वायरल नहीं हो जाते, तब तक उसके बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स नहीं बढ़ते, राइट। और एक चीज़ और आपने देखा होगा कि जो आप जो कंप्यूटर साइंस या किसी इंजीनियरिंग या किसी ऐसे बैकग्राउंड से होते हैं, कभी कभी उनके फॉलोवर्स भी मिलियंस में होते हैं। कैसे? तो आप जब लोगों के अंदर वैल्यू क्रिएट करने लगते हो ना, तो आपके फॉलोवर्स खुद ही बढ़ जाते हैं, और ये रियल फैक्ट है, इस चीज़ को आप समझ जाइए। तो आप कॉलेज टाइम में हद से ज़्यादा सोशल मीडिया पे टाइम ना दें, हो सके तो आप अनइंस्टॉल कर दीजिए, लेकिन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए ना ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। बहुत से लोग बिगिनिंग में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, उनका पछतावा उनको लास्ट में हो रहा होता है। और जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का टाइम होता है ना, ये मस्ती करने का नहीं, ये बेसिक फंडामेंटल चीज़ें को क्लियर करने का होता है। सी, मैं एक चीज़ बताता हूँ, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे, जब मैं अपना एक्सपीरियंस आपको आपसे शेयर कर रहा हूँ, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका बैकग्राउंड अच्छा था, जिनको इंग्लिश अच्छी आती थी, जिनको अच्छा बोलना आता था, कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एवरीथिंग, ये सब अच्छा था। वो हो सकता है शायद फर्स्ट ईयर में अगर अपना टाइम थोड़ा बहुत वेस्ट भी कर दे तो चलेगा, बट इफ़ यू डोंट हैव दिस थिंग्स, अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपकी सही नहीं है, आप सही, तो ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ही वो टाइम होता है जहाँ आपको सही करना होता है ये सब चीज़ें, राइट। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट आपके लिए है अब्यूजिंग प्रोफेसर्स। ये आपको कॉलेज टाइम में कूल लग सकता है कि प्रोफेसर्स को आप गाली देते हो, हाँ ये चीज़ भी मैं मानता हूँ कि बहुत से ऐसे प्रोफेसर्स होते हैं जो शायद बुरे होते हैं, मतलब उनका जो बोलने का तरीका, बिहेवियर, और उनका जो ये सही नहीं होता है, आई नो, राइट, आई रिस्पेक्ट, बट उनसे कनेक्शन बनाना और लास्ट में वही काम आते हैं। आपने शायद कॉलेज छोड़ने के बाद आपको आप देखोगे पीछे मुड़ के, तो वही जो दो चार प्रोफेसर जिनको आप शायद कॉलेज में गाली देते थे, वही आपको काम आते हैं कभी कभी, वही उनसे ही आपको का सिर्फ कॉन्टैक्ट रहता है, बाकी किसी से कॉन्टैक्ट नहीं रहता, और ये ऐसा होता रहता है, नॉमिनल ही है, राइट। तो इस चीज़ को आप समझ जाइए। और प्रोफेसर्स को मुझे लगता है कि मैंने तो नहीं किया था, पर मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्तों ने किया था, पर मुझे लगता है कि एक काइंड ऑफ रिग्रेट होता है बाद में कि आप प्रोफेसर्स को गाली बकते हुए, कभी भी, चाहे उनका मिस्टेक हो, चाहे आपका गलती हो, कैसा भी हो, डोंट अब्यूज़, दे आर लाइक अ पेरेंट्स, लेकिन कुछ गलत होते हैं, आई नो, पर यू हैव टू कंट्रोल देम, राइट। अगर आप एक दो प्रोफेसर्स को लाइफ में कंट्रोल नहीं कर सकते जिनका बिहेवियर बैड है, तो आपको आपने क्या सीखा लाइफ से। नेक्स्ट आपके लिए जो मिस्टेक है जो शायद आपको नहीं करना चाहिए, वो टेकिंग ड्रग्स एंड अल्कोहल्स। अब ये चीज़ ये कूल दिखाता है, ठीक है, आपके शरीर को ये चीज़ नहीं चाहिए, ये चीज़ हार्म करता है। बहुत से लोग इस चीज़ को समझना नहीं चाहते, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, मतलब ये चीज़ आपको कूल डिफाइन करता है कि यू आर अ कूल गाय एंड लाइक दैट, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मतलब ये नशा ऐसी चीज़ है, ये कूल आपको फील कराएगा, मतलब लोगों के सामने, आपको खुद के सामने नहीं, लोगों के सामने, और लत जब लग गई तो आपको खुद के ही सामने ऐसा फील कराएगा। देखो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है जो शायद आप नशे के रूप में कर सकते हो, जैसे बता रहा कि बोलते हैं कि जब मुझे मन नहीं लगता पढ़ने में, पढ़ाई करने में, तब मैं सिगरेट पीता हूँ। तो यार सिगरेट आप इसलिए पीते हो क्योंकि उसकी लत है आपको, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मन नहीं लगता तो वो कुछ और करते हैं, घूमने चले जाते हैं, नहा लेते हैं, बाथरूम, मतलब कुछ भी उनका अपना अपना होता है। तो जिनको जिन चीज़ का आदत होता है ना, वो चीज़ करते होते हैं। तो शायद आपको इस चीज़ का बुरा आदत है और इसलिए आप ये कर रहे हो। आप इस चीज़ को जितना जल्दी समझ जाओगे ना, उतना आपके लिए बेस्ट। नेक्स्ट जो मिस्टेक है, रेगुलरली वॉचिंग पोर्न एंड डूइंग मास्टरबेशन। ये मुझे लगता है काफ़ी गलत है, और ये बिहेवियर जिस दिन अपने लाइफ से हटा दिया ना, शायद आपकी प्लेसमेंट और आपके लाइफ में बहुत अर्ली सक्सेस। मेरा एक ख्वाहिश था कि मैं 21 में जब मैं जाऊँ तो शायद मुझे जॉब हो जाए मेरे पास, मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, एंड आई डिड दैट बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। मतलब अपने अंदर थोड़ा सा ये चीज़ें डेवलप करो, और जो एक शॉर्ट टर्म गोल बनाओ कि मुझे ये चीज़ें इतने में कर लेने। और मेरा एक मतलब एक जब किड था तब से ख्वाहिश थी कि जब मुझे समझ आया था तब से ख्वाहिश थी कि 21 होते होते मेरे हाथ में या तो जॉब हो या मेरी खुद की कुछ ना कुछ एम्पायर हो, जिससे मैं गार्जियन से इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, मतलब अपने ना घर ना चला पाऊँ, दैट्स डिफरेंट, राइट, बट अपने पैरों पर खड़े हो जाऊँ। और शायद ये हुई। अब ये इसलिए हुई क्योंकि जो जो मिस्टेक्स आपको बता रहा था ना, शायद उसमें से कुछ मिस्टेक्स ऐसे हैं जो मैंने नहीं किया। तो ये पोर्न एंड मास्टरबेशन है ना, शायद आपको अवॉइड करना चाहिए। ये आपके मेंटल प्रेशर लाता है, इसका भी स्ट्रेस लाता है, ये आपको वीकनेस लाती है आपके अंदर। इवन आप यू आर अ गर्ल, यू आर अ बॉय, तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। ये चीज़ से आप जितना ज़्यादा दूर रहें, पोर्न से दूर रहें, मास्टरबेशन से दूर रहें,
उतना बेहतर आपके लिए होता है। अगर बहुत से लोग ज्ञान देते हैं कि नहीं ये देखना चाहिए अच्छी बात है, शायद आपको बर्बाद करने में तुले हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे जब ये चीज़ देख रहे होते हो तो लाइफ माइंड में एक अलग सा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो वो जो डोपामाइन रिलीज करता है शायद वो आपको बहुत ज़्यादा हार्म करता है। तो इस चीज़ को समझिए, मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि आप इसमें खुद ही समझदार। ट्रेडिशन ऑफ रैगिंग, आपने एक चीज़ देखा होगा कि आपके सीनियर्स आपकी रैगिंग किया तो आपने भी अपने जूनियर्स की रैगिंग कर दी, दैट्स टोटली रॉन्ग। आप एक जेंटलमैन सीनियर बनिए, ठीक है। जब आप सेकेंड ईयर में जाते हो, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो आप वो सीनियर मत बनिए जो आपके ऑलरेडी सीनियर्स थे और उनके बिहेवियर को अपने अंदर एक्वायर मत करिए। आप एक नया अच्छा और बेहतर सीनियर बनिए। अपने जूनियर्स को किस तरह से ग्रैब करना है, आप बॉस टाइप बनिए, जेंटलमैन टाइप बनिए। आपके जूनियर्स आपसे डरे भी और आपके जूनियर्स आपका रिस्पेक्ट करें कि मतलब अगर ये सीनियर है तो लाजवाब है, लाइक दैट। तो इस तरह के जैसे हमारी भी रैगिंग हुई थी, लेकिन हमने अपने जूनियर्स को उस टाइप का रैगिंग नहीं किया था, ठीक है। हमने एक ऐसे तरीके से किया था, सिखाया था, उन्हें कंफर्टेबल फील कराया था, थोड़ा बहुत डराया भी था। पर हाँ, ऐसा नहीं कि वो आपके पीठ के पीछे गाली बक रहा हो, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। ये क्रिएट खराब हो जाता है, क्योंकि जब आप कॉलेज पास आउट हो रहे होते हो वो जूनियर्स कहीं ना कहीं आपको काम आते हैं। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरे एक सीनियर जो मुझे काफ़ी टाइम रैगिंग किया था और मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया था उन्होंने, और अब भी इवन ही इज जॉबलेस, अब उनका कॉल आता है मेरे पास कि अगर आपके पास है कोई तो मुझे दिला दो अपनी कंपनी में, या फिर तुम्हारी खुद की कंपनी है ये वो, मतलब दिला दो। और हमेशा मैसेजेस आते रहते हैं उनके, व्हाट इज़ द रीज़न। अब मैं उनसे कहूँ कि आपने ऐसा किया था, मैं रिवेंज ऐसा कुछ, तो दिस इज़ नॉट अ गुड पीपल, मैं अच्छा इंसान नहीं कहला सकता। तो ये चीज़ अपने अंदर रखिए, बदला सिर्फ खून का बदला खून से नहीं होता है, बदला सक्सेस से भी होता है, आपके कलम की ताकत से भी होता है, अच्छे टाइम आने का भी होता है। नेक्स्ट मिस्टेक ये है कि मैंने कॉलेज लाइफ में हॉस्टल में मोस्ट ऑफ द पीपल को देखा है, वो सोते बहुत हैं। आप इस चीज़ को जितना जल्दी समझ जाइए उतना बेस्ट है, क्योंकि ये हाफ ऑफ द आपका जो इंटायर कॉलेज लाइफ है ऐसे ही निकाल देता है। और साथ इस चीज़ को अगर नहीं समझेंगे अच्छे समय में तो ये आपको समझा देगा अच्छे समय, बुरे समय में, ठीक है। तो आप सो, आपकी आप 8 घंटा सो, 8 आवर्स सफिशियंट है, 7 आवर्स, 8 आवर्स, लेकिन कॉलेज छोड़ के दिन में हॉस्टल में सोना, और शायद आप रिलेट कर पा रहे होंगे, इवन आप कॉलेज पास आउट हो तो भी आप इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे। हाफ ऑफ द इंटायर कॉलेज लाइफ आपका ऐसे ही निकल जाता है सिर्फ और सिर्फ स्लीपिंग में। इस चीज़ को समझिए, जितना जल्दी आप समझ जाएंगे उतना आपके लिए बेस्ट है। आप किताबें मत पढ़िए, ट्रेनिंग ले लीजिए किसी चीज़ की। बहुत से लोग बोलते हैं कि ना सो तो करूँ क्या, ठीक है, करूँ क्या, आपको सब कुछ आती है क्या, प्लेसमेंट आपकी नहीं होती तो फिर आपके अंदर कमी कहाँ पे। अपने अंदर कमी देखिए और मार्केट में कोई ट्यूशन लीजिए, ठीक है। आप जब कोचिंग लेंगे ना तो आप एक एक चीज़ को इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर देंगे अपने अंदर। कम्युनिकेशन वीक है, आप कोचिंग लीजिए। आपका पर्सनल डेवलपमेंट नहीं अच्छी है, कोचिंग लीजिए उसकी। आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, कोचिंग लीजिए उनकी। आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सही नहीं है, उनकी कोचिंग लीजिए, ट्यूशन लीजिए, लेकिन डोंट वेस्ट योर टाइम। नेक्स्ट जो मिस्टेक शायद हम सब कॉलेज लाइफ में करते हैं वो है सर्कुलेटिंग मीम्स ओवर व्हाट्सएप एवरी डे एवरी टाइम। व्हाट इज दैट यार, आपके पास मीम्स अगर अच्छी आती है इंस्टाग्राम पे देखते हो कहीं पर, खुद देख लो ना यार, खुद देख के समझ लो ना। क्यों हम व्हाट्सएप पे सर्कुलेट करें, सबको शेयर करें, टैग करते रहें भर दिन? आप इसके लिए बने हो, आपके गार्जियन ने आपको कॉलेज भेजा है इसलिए कि आप भर दिन मीम्स शेयर कर सको, अपने रिलेटेबल जोक्स को अपने दोस्तों से साझा कर सको। दैट इज नॉट अ गुड बिहेवियर मैन। आप इस चीज़ को आफ्टर कॉलेज जब आप जॉब कर रहे हो किसी कंपनी में तब ये चीज़ें नॉमिनल लगती है, क्योंकि मतलब मीम्स तो आपकी कॉलेज लाइफ पे भी बनती है, मीम्स तो आपके प्रोग्रामिंग पे बनती है, आपके ब्रांच से रिलेटेड बनती है, आफ्टर कॉलेज आपके जॉब लाइफ पे मीम्स बनती है। पर हर दिन आप मीम्स शेयर करते हो, आपने देखा है कि इस पे आप कितना टाइम वेस्ट करते हो? अंकुर वारिको का नाम सुना है आपने? अंकुर वारिको आपके लिए कोर्स बनाते हैं कि हाउ टू मैनेज द टाइम। आपने उसका ऐड देखा होगा कि आपने लाइफ का मात्र 10 मिनट दे दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि आपका वक्त कहाँ जा रहा। आपने देखा ना अंकुर वारिको का? तो अब देखो वो क्या कर रहे हैं, आपके टाइम को मैनेज करना आपको ही सिखा रहे हैं। और आप अर्ली एज या टीनेज में आप क्या कर रहे हो, आपको ये चीज़ समझना होगा, इन सब चीज़ों से दूर रहना होगा। ये मेम्स यम्स जितना चीज़ है ना, ये सब बच्चे के लिए होता है। यू आर टीन,
एंड जब आप 21 हो जाओगे ना, तो ये सब कुछ काम नहीं आएगा, कौन सा मेम्स आपने क्या क्या भेजा था। एक जेंटलमैन बनिए, आपके लाइफ के बारे में दूसरा कोई डिसाइड ना करे, या आपके लाइफ को कोई और उस पर जज ना करे, ऐसा लाइफ बनाए। नेक्स्ट जो मिस्टेक हम सब अक्सर करते हैं, छोटे छोटे इशूज पर फाइट करना। हम सब दोस्तों में, हम सब एटीट्यूड दिखाने के वजह से हम लोग क्या करते हैं, अपने दोस्तों से झगड़ा कर लेते हैं, छोटे छोटे मिस्टेक की वजह से, छोटे छोटे गलतियों की वजह से, छोटे छोटे मुद्दे पर जिनका कोई वैल्यू नहीं होता। तो ये चीज़ें थोड़ा सा कम करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा फाइट करते हो उतना ज़्यादा दोस्ती, मतलब आपका कनेक्शन कम होता है, शायद आपके मन में इतना ज़्यादा बिचलापन होता है कि मतलब यार क्यों किया ये वो चलता रहता है। तो जितना हो सके छोटे छोटे मिस्टेक पर या छोटे छोटे इशूज़ पर फाइट ना करें। नेक्स्ट जो मिस्टेक है, और मुझे लगता है कि ये शायद मिस्टेक आपको बर्बाद करने के लिए आया है, गेटिंग इन्वॉल्व विथ पॉलिटिक्स। अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, कल को आपको पॉलिटिशियंस बनने, देन यू कैन गो राइट। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, कल को आपको इंजीनियर बनने हैं या डॉक्टर बनने हैं, और जब इंटरेस्ट नहीं है तो आप इस चीज़ के बारे में कभी बात ना करें। मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ, बहुत से लोग, आप जिस पार्टी को फॉलो करते हैं या जिस पार्टी को वोट करना चाहते हैं, आप जाएं उसको वोट करें, दिस इज़ नॉट अ बिग डील। लेकिन आप उसके बारे में किसी दोस्तों से या एक ग्रुप बना के हमेशा 24 आवर्स डिस्कस करना या अपने अंदर एक लड़ाई का डोपामाइन क्रिएट करना, ये गलत है और ये आपके लाइफ को गलत मोड पे लेके जाएगा। आई एम गिविंग यू 100% गारंटी। कभी भी कॉलेज में पॉलिटिक्स ना करें, रेदर देन कि आप अगर नेता ना बनना हो, अगर आपको नेता बनना हो यू कैन गो, बट यही बात है कि आपने अपने साथ साथ अपने कलीग्स को बर्बाद ना करें, उनको पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना करें अपने फायदे के चक्कर में, ठीक है। तो ये चीज़ जरूर अवॉइड करें अपने लाइफ। नेक्स्ट जो लगता है काफ़ी गंदी है और हम सब अक्सर करते हैं, रनिंग बिहाइंड सेक्स। हमेशा अपने दोस्तों से या कलीग से सेक्स के बारे में बात करते रहते हैं, यार इनसे उनसे मास्टरबेशन, दुनियादारी, कितना गंदा आपका दिमाग होने लगता है धीरे धीरे। और ये टीन से जब शुरू होती है तो कभी ख़त्म नहीं होती, ये ऐसी चीज़ है। चाणक्य ने भी कहा था कि एक राजा युद्ध तक हार सकता है इसके पीछे, स्त्री के पीछे, चाहे वो गर्ल्स हो बॉयज हो, हर कोई अपने आप में रिलेट कर सकते हैं। तो आप समझ रहे हो ना, ये एक ऐसी बुरी चीज़ है जिनके संदर्भ में आकर, जिनके आक्रोश में आकर लोग राजा तक युद्ध हार सकता है, योद्धा युद्ध हार सकता है, राजा अपना संपत्ति खो सकता है इसके चक्कर में, ये ऐसी चीज़ है। तो जितना अर्ली एज में आप समझ जाओगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज ये आपका लाइफ टाइम पीछा नहीं छोड़ेगा, हमेशा आप इसके पीछे दौड़ोगे। एग्जाम दे रहोगे उस समय आपको ये सब चीज़ का ख्याल आ सकता है, अगर आप रिलेट कर पाए तो सोच पा रहे हो। नेक्स्ट जो आपके लिए है वो नोट मेकिंग कनेक्शंस। देखो एक चीज़, कनेक्शन सिर्फ लिंक्डइन पर ही नहीं होते, अच्छे अच्छे लोगों का कनेक्शंस लाइफ में जरूर होना चाहिए। अच्छे लोग इन द सेंस कि जो ऑलरेडी HR हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जिनके पहचान बहुत ऊपर है, जिनके अच्छे कनेक्शंस हैं, जिनके दोस्त बहुत अच्छे हैं, उनसे कनेक्शन जरूर रखें, हमेशा रखें, क्योंकि कल को जब आप कॉलेज लाइफ से पास आउट होते हो ना, तो यही वो पीपल हैं जिनसे आप कॉन्टैक्ट करते हो अपने जॉब के लिए, क्योंकि आप इनकी गारंटी तो आपके कॉलेज वाले भी नहीं देते हैं कि आपकी जॉब लग जाएगी राइट। तो आप ये वो लोग होते हैं जिनसे आप कॉन्टैक्ट करते हो जॉब के लिए, तो और शायद ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि ऐसे ऐसे लोग से कनेक्ट हों, लिंक्डइन पर अपना रीच बढ़ाएं रेदर देन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। फेसबुक और इंस्टाग्राम तो तुरंत हो जाएंगे जब आप उस फील्ड में आओगे, और फिर जब आपका बिजनेस चल रहा होगा या फिर ऐसा कुछ जो लोगों के अंदर वैल्यू ऐड कर रहे होंगे, उस टाइम में आपका खुद ही फॉलोवर्स बढ़ने लगेंगे राइट। तो ऐसे आप उसके पीछे ना भागें, लिंक्डइन पर जरूर अपना कनेक्शन बढ़ाएं, अच्छे अच्छे लोगों को कनेक्ट करें, HR प्रोफेसर और इस काइंड ऑफ लोग जिनको, जो आप जो ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं, जो जॉब कर अपने सीनियर्स को, उनसे कॉन्टैक्ट में जरूर रहिए, इवन लिंक्डइन पर कनेक्ट हो जाए। नेक्स्ट है नोट गिविंग, और यू कैन से इम्प्रूविंग योर सेल्फ। आप अपने आप को इम्प्रूव करिए, इम्प्रूव इन द सेंस कि जब आपके कॉलेज में जिम होती है तो जिम ज्वाइन करिए, जेंटलमैन बनिए। आपने अगर फेसबुक की कहानी देखी होगी, मूवी जो आया है कि जो मूवी थी, आप उसमें देखोगे तो जेंटलमैन का एक रोल था। अब वैसे भी ये हॉवर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये जेंटलमैन का काफ़ी अच्छा चलता रहता है, लेकिन मैं आपको तब भी एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आपके पास अगर जिम है, जिम जाने की फैसिलिटी है, मार्केट में जहाँ भी है तो जिम जाएं, अपने आप को इम्प्रूव करें। क्योंकि जब आप कॉलेज ड्रॉप आउट होते हो ना, जब कॉलेज से पास आउट होते हो, तो आप कैसा दिखते हो ना, मतलब फेयरवेल फ्रेशर पार्टी, जब इवन आप एम्प्लॉय किसी बनने के लिए या किसी प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू देने जाते हो, तब आपका एक ग्रूमिंग भी मैटर करता है, पर्सनालिटी आपका खिलता है उससे। तो आप जिम जाओ, अपने आप को इम्प्रूव करो, ग्रूमिंग पर थोड़ा बहुत ध्यान दो। इवन जब जितना मिस्टेक्स मैंने बताया, अगर उतना मिस्टेक्स को अवॉइड कर दोगे ना, तो इनके लिए आप टाइम निकाल सकते हो
राइट इतने के लिए टाइम निकालने की आपको पैसा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसके लिए आप टाइम कैसे निकालोगे, इवन आप करते भी होंगे। एंड एक चीज जो लास्टली बोलना चाहूंगा, डोंट बी रूड विथ योर पेरेंट्स। ये काफी मुझे लगता है कि आज के टीनेज को समझने की जरूरत है, अपने पेरेंट्स के साथ ना रूड मत होइए। हो सकता है कभी कभी उनके डिसीजंस आपको गलत लगते हो और कभी कभी आप खुद ही गलत होते हो, तो ये दोनों चीजों के बीच का जो कॉम्बिनेशन है ना उसको कंट्रोल करना सीखे। क्योंकि समटाइम्स होता है कि आपके पेरेंट का मिस्टेक होता है, आपको लगता है यार मेरे पेरेंट ने मिस्टेक कर दिया, और कभी कभी आपके ही मिस्टेक होते हैं जो पेरेंट को लगता है कि मेरे बच्चे ने मिस्टेक कर दी। जब वो ऐसा चीज कंट्रोल कर रहे हैं, वो अपने खुद की गलती और आपकी गलती दोनों को एक साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो यू हैव टू ऑल्सो लर्न दैट। आपको भी वो कंट्रोल करने का क्षमता होना चाहिए, सीखना चाहिए आपको कि कैसे इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है, राइट। तो इनको जब आप कंट्रोल करोगे और इनके बीच का अंतर समझ जाओगे ना, तो शायद एक अच्छा जेंटलमैन आप बन सकते हो लाइफ में। तो मम्मी पापा के साथ ना एक रूड बिहेवियर कभी मत लाओ, उनके हमेशा प्यार से बात करो। इवन आप 10 दिन में बात करते हो, 2 दिन में भी बात करते हो, डेली करते हो, तो 2 मिनट के लिए ही करो, पर रूड बिहेवियर ना लाओ। भले ही उनसे गलती हो, उनके रियलाइज मत कराओ कि आपने मिस्टेक की है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ जाओ, जितना जल्दी आप समझ जाओगे, और लगता है कि ये काफ़ी, मैंने जो मिस्टेक करी और उसमें से कुछ चीज़ें रिसर्च करके हमने ऐड किया, जो अक्सर कॉलेज लाइफ में स्टूडेंट्स करते हैं, जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी वो शायद आपको बताया, और शायद इस चीज़ को इम्प्रूव कर दोगे तो आप भी अर्ली 20s के एज में आप अर्न कर सकते हो, एज अ फ्रीलांसिंग ही सही, एज अ जॉब ही सही, पर आप कर सकते हो, राइट। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय।